तमाम तर जिम्मेदारी NHA पर होगा और हमारे गाड़ियों में कोई भी हादसा पेश हुआ या कोई हमारे साथ गलत कर दिया, गलत तरीका कार किया तो इसका जिम्मेदार NHA हो गया। हम NHA पे FIR भी काटेंगे, हम केस भी लड़ेंगे, उस पर उसका हर तरीके से मुकाबला करेंगे। ये खुद साख्ता चेयरमैन है NHA के, हर टूल प्लाजे को वडेरा शाही को देता है, मुतबरी को देता है, मिनिस्टरों को देता है, उसमें हर वो अफसर का पार्टनरशिप का सबूत मैं दूंगा, पार्टनरशिप ही का सबूत मैं दूंगा। पूरा वडेरा शाही को दिया 50% NHA के, वो अफसर को मिलता है और NHA को मिलता है। ये लाकानूनियत कौन संभालेगा, किससे संभाला जाएगा? खाकान आबादी से अपील है कि मस्ते में आओ, नहीं तो सख्त से सख्त कार्रवाई पे 24 घंटे के बाद हम लोग उतरेंगे। वसलाम। चीयर चीयर चीयर। जैसे मेरा एक सवाल ये है कि सबसे पहले तो हम ये बता चाहेंगे कि ये आज जो आप कर रहे हैं ये प्रेस ब्रीफिंग है या प्रेस कॉन्फ्रेंस है? प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये, ठीक है। दूसरी बात ये कि कहा ये जा रहा था कि NHA या FHA, इससे पहले जिस वक्त टनल से गाड़ियां गुजर रही थीं तो उसको 5 से 6 लाख रुपए दिए जा रहे थे, वो कौन से हजरात उनको दे रहे थे, किसने उनको आदि किया इसने वाले? पहले ATA का प्राइवेट आदमी के पास था और प्राइवेट आदमी बाकायदा खाल हमारे साथ इसके सबूत है, बाकायदा खालिद अयूब को बाकायदा माहवारी देता था। अभी ATA का ले लिए NHA ने, NHA आपको पता है, NLC ने, NLC आपको पता है किसी को कुछ नहीं देता है। अभी NLC को नाकाम बनाने के लिए, ताकि आइंदा NLC ATA का ना ले, रोजाना 5 लाख रुपये नुकसान दे रहा है उसको। अगर टैंकर अगर इधर से गुजरे तो 5 लाख रुपए टैंकर से आमदन है, रोजाना 5 लाख रुपए के हिसाब से इसको नुकसान दे रहा है, ताकि आइंदे के लिए इसे ATA करना है। इसमें खाली तो एक मुकम्मल वैसा है डायरेक्टर NHA। अच्छा मोहम्मद यूसुफ शवानी साहब, आपसे एक प्रोग्राम सवाल है, आप मेहमान भी हैं हमारे। मीडिया के बारे में यही से कहा गया कि मीडिया का किरदार बेहतर नहीं है, क्योंकि मुसलसल मीडिया यहाँ पर आता रहा, आप लोगों की कवरेज करता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी इवज में हमें ये तोहफा मिला, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं माजरत चाहता हूँ, हम मिजाज में कहा आप लोगों को, और जितना मीडिया हमारे साथ ताउन करता है, कोई दुनिया का इदारा, कोई शख्स, कोई और हिसाब नहीं करता। जो हमारा जो मतले मसाइल हैं उसको मीडिया उछालता है, उसको मीडिया आगे करता है, तो हमारे लिए कुछ बन जाता है और फिर हमारा जो भी मुतालिबा है वो मंजूर होता है। मीडिया का जो बोला है, मिजाक में आपको बोला है, अब दोबारा आप लोगों से माजरत चाहता है, मेहमान भी है आप लोगों का, अगर कोई मिजाक से बात किया उसको पकड़े ना, उसके आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जरा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर मीडिया ना होता, ये जो ब्यूरोक्रेट्स है इसको महार डालने वाले मीडिया है, अगर मीडिया ना होता है तो ये सूत्रे पर महार की तरफ। अच्छा सर, 24 घंटे का टाइम दिया है अपने कि एहतजाज करेंगे, उसके बाद अगर मुतलबात पूरे नहीं होते इसके साथ क्या रोड भी बंद होंगे? 24 घंटे के बाद पूरा सप्लाई बंद कर देंगे हम लोग, तमाम डिपुओं पे पाकिस्तान का, पंजाब का, सूबा सरहद का बंद कर देंगे, उसके बाद रोड भी ब्लॉक करेंगे। हमें अफसोस के साथ करना पड़ता है, सेक्टर पेट्रोलियम एक हाई लेवल मीटिंग था, उसमें सारे OMCs के MD हजरात भी बैठे थे, उसमें ओबरा चेयरपर्सन भी बैठी थी, उसमें सेक्टर पेट्रोलियम भी बैठा था, उसमें सेक्टर पेट्रोलियम के दफ्तर ही में था। एक हाई लेवल मीटिंग में इसका GM सकलेन नाम है, उसने साफ कह दिया सेक्टर पेट्रोलियम को के टनल में हमारा NHA का कोई अमल दखल नहीं है, हमारे तरफ से कोई इशू नहीं है, हमें कोई इतराज नहीं है। अभी हम हैरान है कि इतने हाई लेवल मीटिंग में, मैं सेक्टर पेट्रोलियम से सवाल करता हूँ कि सेक्टर पेट्रोलियम साहब, आपके दफ्तर में NHA का GM कहते हैं कि मुझे कोई इतराज नहीं है,
एन एच ए का कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन हम इधर कोहट आ गए, हम फिरते रहे कभी आर्मी वाले के पास, कभी कमिश्नर, कभी डीसी के पास, लेकिन इसका हमें खत लिख मिल गया। और इस खत में इसे क्या लिखता है, योर कोऑपरेशन ऑफ दिस ऑन दिस रिकॉर्ड विल बी हाईली अप्रिशिएटेड प्लीज। इसको लिखा है कि भाई जो ऑयल टैंकर बन के हाई अप्रिशिएटेड, हम आपके मशकूर हैं। ये लिखा है खालिद अयूब बंगश। एक तरफ तो ये लिखते हैं इसको कि ऑयल टैंकर बंद करो, फिर कुछ पैसे मिले इसको, फिर दूसरा लेटर दिया है कि घी वाले और दूध वाले ऑयल टैंकर छोड़े बाकी बंद करो। मैं सवाल करता हूँ, मैं खालिद अयूब साहब, ये कोई ऐसे नहीं कि हमने इस तरह टीनों डब्बों की इसकी है, बाकायदे इस ऑयल टैंकर के बने इससे इस पी है, ये इंजीनियर बनाते, एक एक चैम्बर है, एक चैम्बर में इतना ही तेल होता है कि हम उसको संभाल सके। बाकायदा हर ऑयल टैंकर के साथ आलात, आग बुझाने वाले आलात हैं। कोई ये नहीं है कि बस टीन है कि हमने इधर उधर किए, बस एक डोल हमने बना दिए, ये डोल नहीं है, ये बाकायदे इसके इंजीनियर्स हैं, ये एक एस यू पी के तहत बनते हैं और ये एक महफूज तरीन ट्रांसपोर्ट महफूज तरीन टैंक है हमारे। ये नहीं है कि हमने वैसे, ये बाकायदे सेक्टर पेट्रोलियम के पास है, बाकायदे एस यू पी के पास है, बाकायदे सब ओमेसी के पास है। और इसके अलावा मैं तो हैरान हूँ कि गवर्नमेंट आयल से